ये ढेर सारे ब्लाउज देख रहे हो सब मैंने मीशो से लिए हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज दे आर एक्सट्रीमली अफोर्डेबल तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं ऑल ऑफ दीज ब्लाउज आर अंडर फाइव फिफ्टी ओनली तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट ब्लाउज से इट इज़ गोइंग टू बी दिस ब्यूटिफुल ब्रोकेड ब्लाउज मतलब uh, मैंने एक रील में इसको देखा था एंड मतलब एक महीने से देख रही थी वो रील बार बार मेरी फीड पर आ रही थी बट आई वॉज नॉट श्योर मुझे लगा था कि ये कुछ ऐसे ही अच्छी क्वालिटी का ब्लाउज दिखा के देर जस्ट पुटिंग द मीशो लिंक बट जब मुझे ये मिला और मैंने इसको हाथ लगा के देखा दिस इज एबसोल्यूटली स्टार्टिंग आजकल चल रहा है ना कि मैंने गलत मीशो डाउनलोड कर लिया है इसको देख के मुझे भी लग रहा है कि मैंने गलत मीशो डाउनलोड कर लिया शायद बट इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्लाउज लुक एट द फैब्रिक ब्रोकेड का फैब्रिक दिया है ये बहुत ही सुंदर सी लेस आएगी थ्रू आउट एंड इस तरीके का नेक दिया गया है कप्स दिए गए हैं एकदम सभ्य साची ब्लाउज बनाने की कोशिश की गई है एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस गुड जॉब जिसने भी ये बनाया है एंड अंदर इसमें अस्तर भी मिलेगा आपको अस्तर भी डिसेंट क्वालिटी का है कप्स इसमें थोड़े से टाइट है कंपेरेटिवली अब तुम यार तीन सौ साढ़े तीन सौ रुपये में और क्या चाहते हो अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज जस्ट परफेक्ट परफेक्ट ब्लाउज एंड मुझे लगता है कि यार इतने में ऐसा कुछ ढूंढना बड़ा मुश्किल है मीशो के अलावा कहीं और चलो ये वाला ब्लाउज ट्राई करके देखते हैं कैसा लग रहा है जो so, ब्लाउज है ऑल्ट्रेबल साइज़ में आएगा दिस इज साइज़ आई थिंक थर्टी सिक्स या थर्टी एट आया है ये तो मैंने पीछे अभी इसको सिंपली पिनअप कर लिया है बट अगर मैं इसका लुक देखूँ उसको इग्नोर करके तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ब्लाउज एंड ये जो सारी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आई वॉन्ट दिस फ्रॉम मिंत्रा मैंने अभी लास्ट वीडियो किया है मिंत्रा का वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो ब्लाउज़ का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा सुंदर आ रहा है एंड द फिनिशिंग इज ऑल्सो वेरी नाइस तो आप इसे डिफरेंट uh, साड़ीज़ के साथ स्टाइल कर सकते हो बी इट अ पिंक साड़ी पर्पल साड़ी येलो ग्रीन ब्लू तो मस्टर्ड तो एक ऐसा कलर है जो तो सारे कलर के साथ बहुत आराम से चला जाता है एंड या दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द ब्लाउज अभी ये लूज है तो आई थिंक वो वाली बात इसमें नहीं आ पा रही होगी बट इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस मूविंग ऑन टू अर नेक्स्ट ब्लाउज आई थिंक ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्लाउज है आई बॉट दिस वन फॉर फाइव फोर्टी नाइन रुपीज़ आई थिंक एंड इसमें यह स्लीव आएंगी इस तरीके की दिस इज़ ऑल्सो ब्रोकेड फैब्रिक मतलब इसको देख के मुझे सेम फीलिंग आ रही है कि ये विज से नहीं है तो इसको भी आप मल्टीपल सारी के साथ स्टाइल कर सकते इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लाउज एम्ब्रॉयडरी मिलेगी स्लीव्स पे यहाँ पर बाकी पूरा ब्रोकेट में बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है अगेन जो इसका फैब्रिक है ना ये इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट लगा मुझे एंड पीछे इसमें वी नेक आएगा इस तरीके से एंड फ्रंट में भी इसमें वी का ही पैटर्न दिया गया है कप्स दिए गए हैं अंदर इन ब्लाउज में ना कप्स ऐसे मत एक्सपेक्ट करना कि बहुत अच्छी क्वालिटी के सॉफ्ट uh, होंगे भी बिकॉज़ ये बहुत बेसिक आते हैं बहुत थोड़ा टाइट वाले भी आता है कभी कभी तो यू कैन ऑब्वियसली चेंज दैम बट लेट्स ट्राई दिस one out. मुझे लगता है शायद ये भी ऑल्टरेबल साइज ही होगा सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ द ब्लाउज बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार मुझे तो सीरियसली आई totally लव विद दिस बैग भी इसका काफ़ी अच्छा है एंड टॉकिंग अबाउट द फ्रंट फ्रंट इज ऑल्सो वेरी प्रिटी अब इस पर किसी भी तरीके की साड़ी पहन सकते हैं प्लेन ब्लैक भी, भी बहुत अच्छी लगेगी गोल्ड भी अच्छी लगेगी तो स्लीवस अभी हल्की सी लूज आई हैं क्योंकि ये अभी ऑर्डर कराना पड़ेगा और पीछे से मैंने एडजस्ट करके ही पहना है बट जब इसकी स्लीवस टाइट हो जाएंगी ना इट इज़ गोइंग टू तो लुक सो सो ब्यूटिफुल एंड डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगी यू कैन गट दिस ऑल्टर्ड इन योर साइज़ और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स तो आप डिफ्रेंट कलर्स में ट्राई कर सकते हो वो मस्टर्ड वाला भी बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है तो जो प्लन साड़ीज होती है ना उनके लिए ऐसे ब्लाउजेज़ बहुत बढ़िया होते हैं ऑप्शन होते हैं बिकॉज बहुत इन्स कर देते हैं आपके लुक को एंड यहाँ मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है मतलब मैं बार बार ऐसे स्लीव्स ही देख रही हूँ आई हल्की सी टाइट होती है अभी फिटिंग होती तो ये बहुत सुंदर लगता है ब्लाउज बट एनी आई एम रियली लाइकिंग इट मूविंग ऑन टू अवर अनदर ब्लाउज इज दिस ब्यूटिफुल पिंक कलर ब्लाउज जो कि मैंने अभी अपनी रिसेंट वीडियो में पहना था मैं इसका फुटेज अटैच कर दूंगी कि ये पहन के लग कैसा रहा है इसका फिटिंग मुझे एकदम परफेक्ट आया है बिल्कुल भी लूज नहीं है एंड इसमें ना एम्ब्रॉयडरी दी गई है इस तरीके की बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी है छोटा छोटा सीक्वेंस है थ्रेड वर्क है एंड पीछे इस तरीके से इसमें आपको सेम काम मिलेगा बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है फ्रंट एंड बैक में दिस इज़ ऑलसो वेरी अफोर्डेबल तो उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट इट इज़ द डोरी डोरी मुझे अच्छी नहीं लगती पता नहीं क्यों पहले से ही पसंद है। तो बस यही मुझे नहीं अच्छी नहीं लगी बाकी इसमें सब अच्छा है कप्स दिए गए हैं अंदर इसमें स्लीव्स भी अटैच है क्योंकि ये स्लीवलेस है तो आप इसमें स्लीव अटैच कर सकते हो बट ये ऐसे ही ज्यादा सुंदर लगता है इसका कट बहुत अच्छा आता है पहनने के बाद मैंने इसको लाइट पिंक कलर की साड़ी के साथ पहना था और ये बहुत ज्यादा प्रटी लग रहा था सो तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो काफी कंफर्टेबल है एंड अफोर्डेबल भी तो इस सेम पैटर्न में मैंने एक और ब्लाउज लिया है विच इज इन कलर ग्रे आई वॉन्ट टू ट्राई दिस वन बिकॉज ये वाला जो ग्रे है ना ये हम कॉटन साड़ीज के साथ भी आराम से स्टाइल कर सकते हैं दिस इज अ वेरी नाइस कलर लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग एंड इसमें भी व्हाइट वर्क दिया गया थोड़ी थोड़ी चिकनकारी जैसी फीलिंग आ रही है बट ये चिकनकारी है नहीं और उसमें सीक्वेंस है बट इसमें कोई छोटा मोटा सीक्वेंस भी नहीं दिया गया बट प्राइस सेम था दोनों तो का आई वॉन्टेड दिस कलर एज वेल तो मैंने ऑर्डर किया पर पता नहीं सीक्वेंस क्यों नहीं दिया बट एनी वेज मुझे तो कॉटन साड़ी के साथ उसको स्टाइल करना था तो कोई भी बहुत ही सुंदर सी कॉटन साड़ी आपके पास वाइब्रेंट कलर की वो बहुत अच्छी लगेगी इसके साथ वरना सिंपली आप इसे और भी मल्टीपल साड़ी के साथ स्टाइल कर सकते हो पिंक ग्रीन ब्लू ग्रे बहुत सारों के साथ जाता है एंड रेड के साथ तो ग्रे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है सो इफ यू वॉन्ट टू ट्राई आउट यू कैन ट्राई दिस कलर इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो तो जी ये होगा हमारी वीडियो का नेक्स्ट ब्लाउज जो कि वी नेक में आएगा इस तरीके से दिस इज़ बेसिकली आर्ट सिल्क मटेरियल और इस तरीके से इसमें बहुत ही सुंदर सा वी नेक बनाया है बड़ा प्रोफेशनल सा लग रहा है देखने में पता नहीं क्यों एंड आई बॉट दिस इन द साइज मीडियम इसमें स्लीव्स आएंगी थोड़े पफ़ी थोड़े नहीं काफ़ी पफी बलून वाले एंड पिंक कलर का ही बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज़ है मतलब मैं इसको ट्राई करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड इसमें कोई कप्स वगैरह कुछ नहीं दिए गए इसमें जो क्लोजर है वो भी यहाँ पर साइड में चेन का दिया गया है तो चलो इसको ट्राई करके आते हैं और पीछे से एकदम ये कम्प्लीटली बंद नेक है कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है ना मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने कम प्राइस में इतना ब्यूटीफुल दिखने वाला ब्लाउज मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने टेलर से कपड़ा दे के सिलवाया है लिटरली एंड आप इसे डिफरेंट साड़ी के साथ स्टाइल कर सकते हो मैंने अभी ग्रीन साड़ी पहनी है इसके साथ अगर मैं इसकी नेक की बात करूँ तो थोड़ी डीप आती है यहाँ पर तो आपको एक्सटेंशन भी लगा सकते हो वरना सिंपली आपकी जो साड़ी है वो तो ढकी लेगी इसके नेक को तो ये कुछ ऐसा लुक देगा एंड पीछे से भी बहुत सुंदर लग रहा है कलर इज़ वेरी प्रिटी डिज़ाइन इज़ ऑल्सो वेरी नाइस स्लीव्स आर जस्ट परफेक्ट फील सो कम्फर्टेबल एंड काफ़ी क्लासी लुक दे रहा है तो इस वीडियो में अभी तक मैंने जितने भी ब्लाउज मीशो के ट्राई किए हैं दे आर जस्ट वाओ मतलब यकीन नहीं हो रहा मुझे मीशो पे तो मुझे तो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं एंड चलो अगले वाला देखते हैं बट ये वाला टेन ऑन टेन है नेक्स्ट ब्लाउज दट वी है मैंने थोड़ा सा कॉटन फैब्रिक में ऑर्डर किया बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्राई दिस ब्यूटिफुल स्पेगेटी काइंड ऑफ अ ब्लाउज और मुझे बहुत सुंदर लग रहा था इसमें अंदर कप्स आते हैं एंड इसका जो शेप है वो काफ़ी प्लन्ज नेक में आता है इस तरीके से मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसे मैंने रेड कलर की सारी के साथ स्टाइल किया था वॉज लुकिंग सो नाइस मतलब अगर आपको इस तरीके के स्पेगेटी वे ब्लाउज पसंद हैं डू ट्राई दिस आउट आपको बहुत पसंद आएगा एंड दिस इज़ क्वाइट अफोर्डेबल उसके हिसाब से उसका कपड़ा अच्छा है सॉफ्ट है एकदम एंड कप्स उसमें थोड़े हैवी वाले दिए गए हैं कंपेरेटिवली अगेन दिस इज़ अफ फ्री साइज़ ब्लाउज इसको भी आपको ऑल्टर कराना पड़ेगा बट इसका लुक बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट आता है एंड इट फील्स सो सॉफ्ट ऑन योर स्किन एज वेल तो वीडियो का लास्ट पीस मैं आपको और दिखा देती हूँ आई बॉट दिस ग्रीन ब्लाउज और ये तो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है पता नहीं क्यों देखने में मतलब वो सब तो थे फ्री साइज में बट ये कुछ एक्स्ट्रा फ्री साइज़ लग रहा है इट्स अ ब्रोकेड ग्रीन कलर ब्लाउज मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो उसके ब्रोकेड की क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगी इट हैज़ दीज थ्री फोर्थ स्लीव्स और इसमें इस तरीके का नेक आएगा फ्रंट में क्रिस क्रॉस वाला थोड़ा सा कप्स दिए गए हैं बैक थोड़ा राउंड डीप में आएगा विद लटकन्स एंड बस अभी तो फिर यही अपडेट है इस ब्लाउज का बाकी मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ है तो देखते हैं कैसा लगता है ब्लाउज और इसमें भी काफी सारे कलर्स अवेलेबल हैं इसमें भी काफी सारे कलर्स अवेलेबल है।, तो है, है तो ये ब्लाउज काफी अच्छा लग रहा है लेकिन इसका नेक काफी डीप आ रहा है मतलब ये बहुत प्लंज है या तो फिटिंग होने के बाद ये सही हो जाएगा बट अभी काफी प्लंज नेक आया है एंड स्लीव भी इसके काफी लूज थे मैंने सेफ्टी पिन लगा लिया है आप इस ब्लाउज को डिफरेंट साइज के साथ स्टाइल कर सकते हैं एज यूजल मैंने अभी ऑरेंज के साथ स्टाइल किया बहुत लग रहा है बैक में भी मुझे काफ़ी लूज आया है बट इस ब्लाउज का जो कट है जो इसमें डिज़ाइन है वो बहुत सुंदर है सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू आफ्टर ऑल्टरेशन ये बहुत बहुत अच्छा लगेगा सो या दिस इज द फाइनल लुक ऑफ टूडेज वीडियो आई होप की वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ टिल देन टेक केयर बाय बाय सी नेक्स्ट वन